और अपने घर में बुला के चारा घोटाला का फाइल बेचारे सीधे आदमी से दस्तखत करवा देते, ये नहीं बताया उन्होंने। और जब वो अभियुक्त बन गए तो आत्मग्लानी से, ये दर्शाता है उस आदमी का व्यक्तित्व, कि आत्मग्लानी से उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन कल वर्चुअल सम्मेलन में यह बात भी उनको अपने नेताओं को बताना चाहिए था कि हम भोलाराम तूफानी को हेलीकॉप्टर पर घुमाए और उनसे बैठ के फाइल पर दस्तखत करवाते थे और उनको अभियुक्त बनवा दिए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कल लालू प्रसाद यादव ने प्रशिक्षण शिविर में एक घटना का जिक्र किया था और उन्होंने किस बताया था कि किस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने भोला राम तूफानी को हेलीकॉप्टर पर यात्रा करवाई थी, इसका जिक्र कल लालू प्रसाद यादव ने प्रशिक्षण शिविर में किया था। इसके बाद आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उस पर चुटकी ली है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव को यह भी बताना चाहिए था कि किस प्रकार चारा घोटाले मामले में भोला राम तूफानी से को अभियुक्त बनवा दिया गया था, छल और प्रपंच करके भोला राम तूफानी को अभियुक्त बनवा दिया गया था, जिसमें उनको झूठे तरीके से फंसाया गया था। ये सब चीजें भी तेजस्वी को सिखाना चाहिए लालू प्रसाद यादव को, कि वो ये सब चीज अपने बउआ तेजस्वी प्रसाद यादव को भी सिखवाएं। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, सुनवाते हैं। भोला राम तूफानी और बहुत ही सहृदय थे, बहुत ही सज्जन आदमी थे और छल प्रपंच उनके मन में नहीं था। दलित समाज के लोग ऐसे होते हैं। लालू प्रसाद जी ने जिस अंदाज में कल स्वर्गीय भोला राम तूफानी के बारे में जो बात कही, उसको आश्चर्य होता है। भोला राम तूफानी को हेलीकॉप्टर से उन्होंने गांव में भेजा, इसकी तो चर्चा उन्होंने की, लेकिन भोला राम तूफानी जी को पशुपालन मंत्री बना के और अपने घर में बुला के चारा घोटाला का फाइल बेचारे सीधे आदमी से दस्तखत करवाते थे, ये नहीं बताया उन्होंने। जिसका परिणाम हुआ कि जब चारा घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा हुई तो भोला राम तूफानी भी बेचारे अभियुक्त बन गए बिना गुनाह किए हुए। कोई गुनाह उनका नहीं था, ये सब कर्म तो इनका था। उनको हेलीकॉप्टर पर घुमाए, उनसे दस्तखत करवाते थे, सज्जन आदमी, सहृदय आदमी थे। और जब वो अभियुक्त बन गए तो आत्मग्लानी से, ये दर्शाता है उस आदमी का व्यक्तित्व, कि आत्मग्लानी से उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। अब लालू प्रसाद जी तो ये बात बताएंगे नहीं, लेकिन कल वर्चुअल सम्मेलन में यह बात भी उनको अपने नेताओं को बताना चाहिए था कि हम भोला राम तूफानी को हेलीकॉप्टर पर घुमाए और उनसे बैठ के फाइल पर दस्तखत करवाते थे और उनको अभियुक्त बनवा दिए। तो दलितों के साथ इस तरह का काम करने का स्वभाव है लालू प्रसाद। अब बाकी तो अपने प्रवासी को भी बतावे कि हम यही सब काम करते थे, यही सब काम सीखो, आगे तुमको काम देगा। तो जिस तरह का काम लालू जी करते रहे उसकी चर्चा बेकार कर रहे। भोला राम तूफानी जी बेचारे को बलि का बकरा उन्होंने बनाया और अपनी अकूट संपत्ति उन्होंने देश और दुनिया में खड़ी की, जमीन जायदाद उसी पैसा से, और भोला राम तूफानी बेचारे आत्महत्या का प्रयास करने लगे। आत्मग्लानी हुआ, कोई भी शरीफ आदमी को आत्मग्लानी होगा कि हमने ये क्या कर दिया। देखिए, दो सीट पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होना है। मैंने कल तारापुर